नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज आपका स्वागत है प्रीति की पाकशाला में। प्रीति की पाकशाला में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एगलेस बनाना पैनकेक। फ्रेंड्स, बनाना से बनेगा ये यम्मी पैनकेक जो कि हमारे बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं बनाई है तो जरूर बनाइएगा। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं बनाना पैनकेक। बनाना पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक जार लिया है। इस जार के अंदर मैंने यहाँ पर पके हुए 2 केले लिए हैं। ध्यान रखें फ्रेंड्स, केले पके हुए ही होने चाहिए। और ये मैंने लिया है बटर मिल्क 1/2 कप। अभी हम सिर्फ 1/2 कप ही ऐड करेंगे, अगर हमें कमी लगेगी तो हम बाद में डालेंगे। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर शुगर ऐड करी है और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है मैदा। मैदे की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है दालचीनी पाउडर 2 पिंच, यानी कि 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर। और 1 चम्मच लिया है फ्रेंड्स वनीला एसेंस। इन सभी चीजों को हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, पीसने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा बैटर किस कंसिस्टेंसी में बना है। ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी बैटर हमारा बनके तैयार हुआ है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, हमें इससे ज्यादा पतला नहीं रखना है और इससे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अभी इसको मैं छान लूंगी छलनी से। अगर इसके अंदर कोई भी लम्स होंगे, कोई भी गुठलियां होंगी तो वो निकल जाएंगी। तो आप अगर स्ट्रेन कर लेंगे तो हमारा पैनकेक और भी अच्छे से बनेगा। हमारा बैटर तैयार हो गया है, देखिए यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। इतना ही गाढ़ा हमें बैटर चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, बहुत ज्यादा पतला नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, इस पर मैंने बटर लगाया है। बटर से हम ग्रीस करके अपने पैनकेक के बैटर को 2 चम्मच भर के हम इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर हमें फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको सेकना है। और आप चाहे तो इसे ओपन पका सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको लीड लगाकर यहाँ पर पकाने वाली हूँ। दो मिनट के बाद अब मैं अपने पैनकेक को पलटने वाली हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, गोल्डन। हमारा पैनकेक बिल्कुल परफेक्ट बना है, अच्छे से सीख चुका है। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी सेक लूंगी। आप देखिए कितना सॉफ्ट, कितना यम्मी हमारा पैनकेक बना है। फ्रेंड्स, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका पैनकेक कैसा बना। इसी तरीके से मैं सारे पैनकेक्स बनाकर और तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, आपके बच्चों को ये पैनकेक कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कुछ और रेसिपी एक्सपेक्ट करते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए वो रेसिपी लेकर आगे आ सकूँ। इसी तरीके से मैंने सारे पैनकेक्स बना लिए हैं। यहाँ पर हमारे सारे पैनकेक बनकर तैयार है फ्रेंड्स। आप चाहे तो गर्मा गर्म पैनकेक हनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर कैरमल भी यूज कर सकते हैं। मेरे बच्चों को चॉकलेट सिरप बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप के साथ सर्व कर रही हूँ। थोड़े से मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, वो भी मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ और ये बच्चों को बहुत ही यम्मी लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीति की पाकशाला।